श्रीनगर गढ़वाल के कीर्ति नगर के मलेथा गांव में इन दिनों त्योहार जैसा माहौल है। माहौल हो भी क्यों ना, ऐतिहासिक मलेथा और इसकी प्राचीन गूल के निर्माता माधो सिंह भंडारी को याद करने के लिए मेले का आयोजन जो किया जा रहा है। आखिर कौन है माधो सिंह भंडारी, जिनकी स्मृति में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, ये हम आपको बताते हैं। नाचते गाते ये लोग, जश्न मनाती महिलाएं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी फिजा में जश्न का माहौल हो। ये जश्न कीर्ति नगर के मलेथा गांव में मनाया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से मेले के रूप में मनाया जाता है। इस मेले में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के गांव में बने मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में ही माधो सिंह भंडारी के आदिकाल की मूर्ति विस्थापित है। ये मेला माधो सिंह भंडारी के बलिदान को याद करने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। ये उखड़ जो भूमि थी, इसको उपजाऊ करने के लिए अपने लड़के की बलि दी। इस तरह से हम संघर्षमयी आदमी को वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जैसे महावीर पुरुष पूरे उत्तराखंड में इनको अभी तक मानते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं सीएम जी को कि अगर माधो सिंह ने अगर इतना एक इतनी बड़ी सुरंग खो दिया, वो भी अकेले इतना बड़ा काम किया, अपने बेटे की बलि देना बहुत बड़ा, नर बलि देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब इसमें ध्यान देने बात ये होती है कि मेला अगर लगता है तो उसकी जो पूरा ये बजट हो, हर चीज का ध्यान मुख्य सरकार द्वारा होना चाहिए, ये कार्य पूरा सरकार द्वारा होना चाहिए। माधो सिंह भंडारी, जिन्हें माधो सिंह मलेथा भी कहा जाता है, गढ़वाल के महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर थे। आज से लगभग 400 साल पहले पहाड़ का सीना चीर कर नदी का पानी उन्होंने अपने गांव तक पहुंचाया था। गांव में नहर लाने के लिए उनके प्रयास की कहानी भी काफी हद तक बिहार के दशरथ मांझी से मिलती जुलती है। दरअसल माधो सिंह भंडारी के गांव में एक बार सूखे के हालात पैदा हो गए थे। गांव में अन्न का एक दाना न रहा। माधो सिंह भंडारी अपने गांव में पानी पहुंचाने की जद्दोजहद में जुट गए। मलेथा गांव के नीचे अलकनंदा नदी बहती थी, जिसका पानी गांव में लाना संभव नहीं था। वहीं गांव के दाहिनी तरफ चंद्रभागा नदी बहती थी। चंद्रभागा का पानी भी गांव में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि बीच में पहाड़ था। इसके बावजूद भी माधो सिंह भंडारी ने इस पहाड़ के सीने में सुरंग बनाकर पानी अपने गांव में लाने की ठानी। कहा जाता है कि उन्होंने श्रीनगर दरबार में और गांव वालों के सामने भी इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गयी। आखिर में माधो सिंह भंडारी अकेले ही सुरंग बनाने के लिए निकल पड़े। चंद्रभागा नदी से लगे पहाड़ को खोदकर 100 मीटर की सुरंग आर पार कर दी। गांव में आज भी चंद्रभागा नदी से 200 मीटर की नहर बनी हुई है। इसके बाद पहाड़ को आर पार कर दी 100 मीटर की सुरंग है। किंवदंतियों के अनुसार जब सुरंग में पानी पास नहीं हुआ तो उनके सपने में देवी आई, जिसने उनसे किसी प्रियजन की बलि भी मांगी और उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र की बलि दी थी। इसके बाद गांव की खेती आबाद हो गई और आज भी मलेथा समेत आसपास के दर्जनों गांव की खेती उसी सुरंग के जरिए पानी से आबाद हो रही है। एक सिंह रेंदोबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का, जिस सेना नायक ने वो पहाड़ को काट करके वो गोल बनाई और एक बहुत बड़े एरिया को उसने सिंचित कराया और बाद को उसको ही अपने दूसरे लोगों को दे भी दिया, तो ये एक बड़ा भारी काम है। वहीं आज भी गांव की महिलाएं शौर्य रस से भरे गीत गाती हैं और माधो सिंह भंडारी को देवता के रूप में पूजती हैं। साथ ही पुत्र बलि को इतिहासकार भी सच घटना मानते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और इतिहास की कई पुस्तकों के रचयिता श्री प्रसाद नेथानी कहते हैं कि उस इतिहास में हिमाचल में इस तरह की बलियों के प्रमाण मिले हैं और ये घटना भी सत्य हो सकती है। मलेथा सेरा के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ की गोल की भी मैंने बड़ी खराब दशा देखी है। अब तो खैर नीचे से सड़क में पुस्ते पड़ गए हैं, फिर भी वो हरियाली और वो जो आबादी है खेतों की जो होती थी वो नहीं देखने में आ रही है, तो यह एक बड़ी खेदजनक बात है। भंडारी ने अपने बेटे का बलिदान देकर इस मलेथा गांव को पानी दिया है और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी महान कृति को यहाँ के लोग आज अनुपालन उसका अनुसरण करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और निश्चित तौर पर जो है माधो सिंह भंडारी के जीवन खाता से हम आम नागरिक को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने एक संकल्प लिया अपने गाँव के लिए, किस तरीके से पानी की व्यवस्था उन्होंने गाँव के लिए की, तो आज से लेकिन आज सरकार की उदासीनता के चलते ऐतिहासिक मलेथा की गोल जगह जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐतिहासिक धरोहर के प्रतीक ये गोल विशालकाय पत्थरों से प्राचीन काल में माधो सिंह भंडारी ने अपने हाथों से बनाई थी, जो कि आज भी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। सुरंग आज बाहर से सीमेंटेड संरक्षित तो कर दी गई, लेकिन सुरंग अभी भी जर्जर स्थिति में है। इस सुरंग को देखने आज भी बाहर से लोग आते हैं और इस सुरंग को पर्यटन से जोड़ने की बात भी करते हैं। गांव में त्याग और बलिदान की मूरत माधो सिंह भंडारी की याद में
गांव में प्रत्येक साल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें माधो सिंह भंडारी के गीत गाए जाते हैं। आज गढ़वाली भाषा में उनके नाटक और गीत भी देखने को मिलते हैं। संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिमोली की रिपोर्ट।